बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय पेज। अगर आप पहली बार इस पेज पे आए हैं, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पेज को फॉलो ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मैं आप सबको बता दूं, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो कि आज कहीं पर जा रहे थे, उनको रास्ते में प्रेस जर्नलिस्ट ने रोका और उसके बाद उनसे एक सवाल पूछा था। तो क्या सवाल पूछा था आप वो एंड तक ज़रूर देखिए और साथ में देखिए कि फारूक अब्दुल्ला साहब के पास जवाब की कोई कमी होती नहीं है और क्या जवाब दिया। आप वीडियो ज़रूर देखिए, एंड तक ज़रूर देखिए। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है फॉलो ज़रूर करिए। अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो उसको ज़रूर जो है आप वो सब्सक्राइब करिएगा। क्यों नहीं शामदी थे आपका, सबसे पहले जानना चाहेंगे एलजी अगेन एंड अगेन क्लेमिंग दैट देयर इज नॉर्मलसी इन कश्मीर और साथ व्हाई यू वरीड अबाउट नॉर्मलसी। साथ ही साथ टारगेट कर रहे हैं पीपल पॉचेस। अमरनाथ यात्रा इज टेकिंग प्लेस, पीपल आर कमिंग, दे आर गोइंग हैप्पीली बैक। पीपल इन पहलगाम हु हैवंट अर्न फॉर मेनी इयर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, at least they're earning something. What more do you want to know? National conference supreme court ke andar judujahad kar rahi hai article ke liye, lekin 70 saalon se national conference ki hukumat thi, tab aapne koi pehal kyun nahi ki article ko mazboot banane ke liye? Baat to sahi hai, daudna to padta hai, mazboot hai, ye pata shasak ne zamote the कैसे चुने पत नेशनल कॉन्फ्रेंस में हर वक्त अत खा जदोजहद कर गिक दो तरह तम तक मुखबिर बिहित कन्न चाहान अनकॉन्स्टिट्यूशन हटोव अव सुप्रीम कोर्टस मे लेकिन बीजेपी का कहना है कि मरा हुआ इंसान लौट के नहीं आता है, क्या कहना चाहेंगे? कई मरे हुए इंसान भी वापस आ गए हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैंने देखा है जिनके पास कोई होश आवास नहीं था, पल्स भी नहीं थी, अल्लाह ने उनको फिर से जिंदा किया। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने।